चाइना ने क्या किया, भारतों का एरिया कब्जा कर लिया, इसलिए कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा। जब तनी सा कुछ आगे बढ़े तब तो कुछ लाद दीजिए, जब घुसपैठ करे नियम बना दो। सीधे भारत को कहना चाहिए कि चाइना ने क्या किया कि 1962 में 69 तिब्बत कब्जा कर लिया। क्या कब्जा कर लिया? तिब्बत। अब ये वाला है, ये वाला 69, तो यही वाला 59, समझ में आ गया जो हम लिखे हैं, यही वाला है। तिब्बत को क्या कर लिया? कब्जा कर। अब चाइना को डरता कहीं भारत जो है वो ये ना कहे कि आजाद कर दो, इसलिए पहले भारतों का एरिया कब्जा कर लिया। 3 साल बाद भारत का पीओके कब्जा, क्या कब्जा किया? सीओके, चाइना को बैठ कश्मीर। अब उसको लग गया कि बढ़िया जगह है, यहां से हम सड़क निकाल देंगे कहां, पाकिस्तान तक। इसलिए कहा कि अगर हम भारत को लद्दाख में खाली छोड़ेंगे ना तो कहेगा लद्दाख खाली करो, लद्दाख खाली करो। इसलिए कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा, क्योंकि आप उलझे रहिए कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, और इधर लद्दाख को आप भूल जाइए। इसलिए बार बार वो क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए आप पागल को पागल की तरह ही ट्रीट करेंगे। सीधे भारत को कहना चाहिए कि तिब्बत तुम्हारा ही नहीं है, तिब्बत तुम्हारी नहीं हो, जो भी तिब्बत से आएगा चाइना, जो भी कंपनी तिब्बत में सामान बेचेगी भारत में नहीं बेच सकती। अब बताओ भारत की हर अगर कोई कह दे कि जो कंपनी भारत की, वो कंपनी जो बिहार में सामान बेचेगी वो अमेरिका नहीं खरीदेगा, तो बिहार में लाइफ बॉय भी आता है, महिंद्रा भी आता है, टाटा भी आता है, सब आता है, कैसे छोड़ सकते हैं? तो भैया ये आपका एरिया नहीं है, आपकी कोई कंपनी अगर यहां सामान बेचे तो यहां ना बेचने देंगे। चाइना को व्यापार से ही रोक सकते हैं। जब तनी सा कुछ आगे बढ़े तब ओके कुछ लाद दीजिए, जब तनी सा कुछ करे तो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे किसी जगह का नाम बदले, जितना व्यापार है इंपोर्ट का है, यहां पे देखिए सबसे ज्यादा उसकी मार्जिन किस चीज में है, वो मार्जिन को 2 महीने के लिए रोक दीजिए। 2 महीना WTO में जाएगा, WTO चिल्लाने लगता है कि आप किसी का व्यापार नहीं रोक सकते, बट हम पेंडिंग में तो डाल सकते हैं। धीरे धीरे पेंडिंग में डालते डालते लोग कहेंगे अरे यार इसका समन्वय लेट आता है, नहीं समझे? किसी को दिक्कत हो तो बताइए। चाइना के साथ हमारा विवाद कितने कितने जगहों पे है? 3, मतलब ऊपर में कौन सा जगह मिलेगा? दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे नीचे में चुना, हर जगह चाइना घुसते रहता है। जब घुसपैठ करे नियम बना दो, विदेशी मोबाइल बाहर नहीं बन सकती है, इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। आओ फिर बाहर जाएगा, जब यहां झगड़ा हो तो उसको पैसा से लॉस होना चाहिए, किसे लॉस होना चाहिए? पैसा। अब लाओ यहां हो, फिर अगर वो चुनार सेक्टर में घुसेगा, लैपटॉप कंपनी बाहर नहीं बना सकती, बनाना यहीं पड़ेगा, नहीं तो 200% टैक्स। अब WTO कहेगा क्या किए, तो हम मना क्या किए, हम तो और अच्छा कहें 5% टैक्स लगे, यहां आओ बनाओ। अब भारत में बनाएंगे लोग, यहां समोसा के दुकान में काम करने वाला कारीगर 1 साल बाद उसी के बगल में समोसा का दुकान खोल लेता है।